वेलकम टू मॉड्युलैरिटी सॉल्यूशंस। आज के वीडियो का टॉपिक है रिवर्स चार्ज अंडर जीएसटी। तो जीएसटी क्या है आपको पता ही होगा, यदि आपको जीएसटी क्या है कैसे है पता नहीं है तो हमारे पहले के जो तीन चार वीडियोस है जिसमें हमने जीएसटी के बेसिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं और उसके अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। बाद में आपको रिवर्स चार्ज क्या है वो जल्दी से समझ में आएगा। तो जनरली क्या रहता है, जीएसटी के अंडर जो सप्लायर रहता है उसकी लायबिलिटी रहती है कि वो जो कुछ भी इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी जो कुछ भी है वो स्टेट गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर दे। लेकिन अंडर रिवर्स चार्ज क्या रहता है, जीएसटी पे करने की जो लायबिलिटी रहती है वो आ जाती है सर्विस रेसिपिएंट पे। देखिए यहाँ पर उसका टेक्स्ट दिया गया है, रिवर्स चार्ज मीन्स द लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इंस्टेड ऑफ सप्लायर ऑफ सच गुड्स और सर्विस। तो जल्दी से एग्जांपल देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो ये है मिस्टर ए जो कि सर्विस रेसिपिएंट है, मतलब वो दूसरे किसी के पास से सर्विस ले रहा है। और ये है मिस्टर बी की जो कोई सर्विस प्रोवाइडर है, मान लो कि वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए को एक इनवॉइस रेज कर दिया कि उस पर 10,000 रुपीज़ उसके बेसिक कॉस्ट थी, सर्विस चार्जेस थे, उस पर 12% जीएसटी रखता है, मतलब सीजीएसटी 6% एंड एसजीएसटी 6%, ऐसा कुल मिला के टोटल 11,200 का उसने इनवॉइस दे दिया है। तो ये केस में इसका जीएसटी का पेमेंट जो है वो कैसे होता है वो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये जो सर्विस रेसिपिएंट है मिस्टर ए वो पेमेंट करेगा मिस्टर बी को, सर्विस प्रोवाइडर को, टोटल कितना करेगा 11,200 का। और इस 11,200 में जो टैक्स है 1,200 का वो मिस्टर बी जो है वो गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस केस में गवर्नमेंट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको पैसा मिल रहा है 1,200 रुपया। जो इनडायरेक्टली देखा जाए तो सर्विस रेसिपिएंट जो है अपना, मतलब मिस्टर ए जो है वो गवर्नमेंट को पे कर रहा है, लेकिन वो जा कैसे रहा है, पहले वो ए जो है वो बी को पैसा दे रहा है और बी गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है। तो अब देखते हैं कि रिवर्स चार्ज में उसका वर्किंग जो है वो कैसे होता है। तो ये केस में अगर रिवर्स चार्ज है तो मिस्टर बी जो है सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस रेसिपिएंट को बिल जो है वो देगा 10,000 रुपीज़ का ही, और उसका पेमेंट जो है वो कैसे होता है वो अब देख लेते हैं। मिस्टर ए जो है उसको 10,000 का बिल मिल गया है सर्विस प्रोवाइडर के पास से, तो वो बिल के अगेंस्ट मिस्टर ए जो है वो पूरा का पूरा पेमेंट मिस्टर बी को कर देगा, और उसके बाद में उस पर जो टैक्स लगता है 1,200 रुपीज़ का, तो वो जो है वो मिस्टर ए जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को कर देगा। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सर्विस रेसिपिएंट के जेब से सेम अमाउंट जा रहा है 11,200, लेकिन इस केस में वो 10,000 जो है वो खाली सर्विस प्रोवाइडर को दे रहा है और बाकी का 1,200 जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। तो इसमें पहले के केस में कैसा था, सर्विस प्रोवाइडर जो था वो टैक्स पहले कलेक्ट करता था और बाद में गवर्नमेंट को पे कर रहा था, लेकिन इस केस में क्या होगा, सर्विस रेसिपिएंट जो है जो वो टैक्स जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा और सर्विस प्रोवाइडर जो है वो खाली उसकी सर्विस की अमाउंट है वो लेगा और उसको खाली सर्विस के लिए जो उसकी अमाउंट तय हुई है उतनी ही मिलेंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज। तो जल्दी से देख लेते हैं कि इसमें नोटिफाइड सर्विसेज कौन से हैं जीएसटी के अंडर। तो ऐसे बहुत से केसेस है जो सेक्शन 9(3) है जीएसटी का, उसमें दी गई है कि वो केसेस में आपको जीएसटी जो है वो कंपलसरी रिवर्स चार्ज के अंडर ही आपको भरना पड़ेगा। तो जल्दी से देख लेते हैं वो सर्विसेज कौन सी है। तो पहला है गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस, दूसरा है एडवोकेट या लॉयर्स का जो सर्विस रहता है वो, मतलब आपकी कंपनी ने किसी के पास से एडवोकेट की या लॉयर की सर्विसेज ले ली है तो उसके जो जीएसटी लगेगा वो आपको भरना पड़ेगा, आपको बिल में वो लगा के नहीं दिया जाएगा। स्पॉन्सरशिप सर्विस, जैसे कोई इवेंट रहता है उसके लिए आप एडवर्टाइजमेंट के लिए स्पॉन्सरशिप ले लेते हो किसी के पास से, तो वो स्पॉन्सरशिप सर्विस जो है वो रिवर्स चार्ज में है। सर्विस बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो भी है। उसके बाद में सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी जो है वो है रिवर्स चार्ज के अंडर। सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, या यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है और आपको डायरेक्टर सिटिंग फीस अगर मिल रही है तो उस पर जीएसटी जो है वो आपको नहीं भरना पड़ेगा, कंपनी ही उस पर जीएसटी भर देगी। इंश्योरेंस एजेंट की जो सर्विस रहती है उस पर भी रिवर्स चार्ज के अंडर है। रिकवरी एजेंट्स जो रहते हैं बैंकिंग कंपनी के, उनका भी जीएसटी के रिवर्स चार्ज के अंडर है। और पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो भी रिवर्स चार्ज के अंदर ही आता है। तो ये जो सारी सर्विसेज है जो पहले मोस्ट ऑफ देम
सर्विस टैक्स के अंडर भी रिवर्स चार्ज में ही कवर की गई थी, वही सर्विसेज जो है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जीएसटी एक्ट अगर आप देख लेते हैं तो वहाँ पे दो सेक्शंस है, एक है सेक्शन 9(3) एंड दूसरा है सेक्शन 9(4). तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो जल्दी से देख लेते हैं। 9(3) के अंडर जो सर्विसेज है वो स्पेसिफिकली ऐसी सर्विसेज है जिसपे आपको हरगिज जीएसटी जो है वो रिवर्स चार्ज के अंडर ही भरना है। जो सारी सर्विसेज आपने अभी देखी थी, जैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट है, लॉयर सर्विस है, डायरेक्टर की कम सर्विस है, वो सारी जो सर्विसेज है उस पर आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंडर ही भरना है। मतलब आप किसी भी डीलर से परचेस कर रहे हो, जैसे कि वो रजिस्टर हो या अनरजिस्टर्ड हो, जीएसटी भरने की जिम्मेदारी जो है वो आप ही के ऊपर आने वाली है। और दूसरा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 9(4). उसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से गुड्स परचेस करते हो तो उस पे जो जीएसटी लगने वाला है वो आपको भरना पड़ेगा। मान लो कि आपने किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से सर्विस ले लिए हो और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उसका टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स जो है वो 20 लाख के अंदर है, तो उसको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके पास से अगर आप सर्विस लेते हो तो उस पे जो जीएसटी लगेगा वो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और वो सीए पे वो लायबिलिटी जो है वो नहीं रहने वाली है। तो इसका 9(4) का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अभी तक चालू हुआ नहीं है, वो नियर फ्यूचर में आ जाएगा। एक्ट में उसकी प्रोविजन करके रखी है लेकिन उसका कलेक्शन जो है वो अभी तक चालू नहीं हो रहा है। तो ये हमने देख लिया है सेक्शन 9(3) और 9(4) में डिफरेंस क्या है। और 9(4) जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में अगर आपका कोई छोटा भी बिजनेस रहेगा तो भी शायद आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो वो नहीं है। और गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के द्वारा 9(4) के लिए एक एग्जम्पशन भी दिया है कि जैसे आपने अगर एक दिन में 5,000 रुपये तक आपने कोई परचेस किया हो अनरजिस्टर्ड डीलर के पास से तो उस पर आपको एग्जम्पशन दिया गया है। मतलब 5,000 तक आप अगर कुछ अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते हैं पर डे तो आपको जीएसटी रिवर्स चार्ज के अंडर भरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ऑफिस में कुछ प्रिंटिंग वगैरह करवा के लाते हैं या फिर कोई फोटोकॉपी करके लाते हैं या किसी से चाय मंगाते हैं तो वो जो सारा आपका छोटा मोटा खर्चा रहेगा उस पर आपको जीएसटी भरने की कोई ज़रूरत नहीं लगेगी। लेकिन इसका डेट अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, तो जब एप्लीकेबल हो जाएगा तब ये कर लेंगे। उसका अकाउंटिंग एंट्री कैसा होगा क्या होगा वो भी हम कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।